मूवीज और टीवी शोज के अंदर सुपर हीरोज का टाइम अब खत्म। आप सोचोगे यार मैं ये क्या कह रहा हूँ। वेल अकॉर्डिंग टू सो मेनी सुपर हीरो फैंस ऐसा ही कुछ हो रहा है। यूट्यूब से लेकर रेडिट और लगभग सारे ऑनलाइन फैन फोरम्स के ऊपर हजारों डाई हार्ड सुपर हीरो फैंस अब इस बात को कहने लगे हैं कि अब उनको ये नई वाली सुपर हीरो मूवीज बढ़िया नहीं लगती, क्योंकि सुपर हीरो कॉन्टेंट ने अब उसकी ओरिजिनैलिटी को खो दिया है। अब देखो यार, बोलने के लिए सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या इन सारी बातों के अंदर कोई लॉजिक भी है? तो सिंपल सी बात, अगर आप एक सुपर हीरो फैन है तो इस वीडियो को बस देखते जाइए, क्योंकि इसके अंदर आज मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल रीजंस बताने वाला हूं जिनकी वजह से अ ह्यूज नंबर ऑफ सुपर हीरो एंड कॉमिक बुक फैंस धीरे धीरे उनके फेवरेट कॉन्टेंट से दूर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुपर हीरो कंटेंट के करंट बिगेस्ट प्लेयर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। अब देखो यार, यहाँ पर इस वक्त जितने भी डीसी फैंस है ना, ये एमसीयू वाली बात को सुनकर गुस्सा मत होना यार। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे भी डीसी की स्टोरीज बहुत ही ऑसम लगती है, लेकिन आज की करंट रियलिटी यही है कि पॉपुलैरिटी और सक्सेस वाइज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इज जस्ट वे अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स। आई लाइक दिस वन। लेकिन अब शायद ज्यादा देर के लिए नहीं। हालांकि एमसीयू ने अभी उनका एक नया फेज भी अनाउंस कर दिया है, और इसके साथ ही उनके कई सारे लेटेस्ट एंड अपकमिंग शोज भी ऑन द रन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके बाद भी कई सारे इसके फैंस इसके कुछ करंट शोज और आने वाली फ्यूचर की इसकी मूवीज को लेकर थोड़े से कम एक्साइटेड है। एंड अगर आप इसके पीछे की रीजंस को जानना चाहते हैं तो रीजंस बहुत ही सिंपल है। अब सुपर हीरोज की बात हो और सीजीआई का नाम ना उठे, ऐसा थोड़ी होता है। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी शॉर्ट फॉर सीजीआई, जो भी आप सोचते हो, इफ यू कैन अफोर्ड इट, सीजीआई कैन टर्न एनी इमेजिनेशन इनटू अ विजुअल रियलिटी। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर सीजीआई ना होता तो शायद आज हमारी मूवीज भी बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती। बट यू नो व्हाट, आज भी कई सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि सीजीआई के आने से पहले मूवीज के अंदर जब सब कुछ प्रैक्टिकल होता था तो उसको देखने में कुछ अलग ही मजा आता था। एग्जाम्पल के लिए माइकल बे और क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज। अब देखो यार, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स डू लुक्स ग्रेट, बट एक बार के लिए जरा ये सोचो कि अगर सीजीआई ही ना होता तो कितनी सारी एपिक मूवीज शायद कभी बनी नहीं पाती। तो सीधी सी भाषा में हम लोग इसके बारे में ये कह सकते हैं कि सीजीआई इज जस्ट लाइक अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिनेमा। लेकिन भाई अब ये है रियलिटी, और यहाँ पर अगर बैकबोन के ऊपर ज्यादा प्रेशर दोगे ना तो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और सुपर हीरो मूवीज के साथ में भी कुछ ठीक ऐसा ही हो रहा है। आपने अपने इंस्टाग्राम पे या फिर कभी किसी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी मीम्स तो जरूर देखी होंगी। वेल, हंसी मजाक से हटके ये मीम्स सुपर हीरो कॉन्टेंट की करंट रियलिटी को बताती है। लगभग सारी मार्वल मूवीज एंड इवन डीसी एंड ऑल अदर सुपर हीरो कॉन्टेंट स्टफ सीजीआई के ऊपर बहुत ही तगड़े लेवल से रिलाय करता है। सुपर हीरो कॉन्टेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट उसका सीजीआई होता है, लेकिन एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से ना, चाहे बात एंड गेम की हो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की हो, एक विजुअल अपील वाइज कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। और दो दिखाने का तरीका बदल गया है, डिजाइनिंग चेंज हो गई है, थोड़ा उसका स्केल और बड़ा हो गया है, बट द कोर थिंग सीजीआई अभी भी वहीं का वहीं है। पर एक बात बताऊं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्वल का सीजीआई बुरा हो गया है। सीजीआई एंड प्रोडक्शन वाइज बहुत ही ऑसम ग्रोथ हुई है, बट जैसा कि कई सारे फैंस इस बारे में कहते हैं, दिक्कत असल में सीजीआई के ओवर यूज से है। पहले क्या होता था कि कुछ चीजें अगर सीजीआई होती थी तो एक काफी अच्छा खासा अमाउंट प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी उसके साथ ही इंक्लूडेड होते थे, और किसी मूवी के अंदर जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में आ जाता था ना तो उससे एक रियलिस्टिक टाइप की फील जनरेट होती थी। बट नाउ बिकॉज ऑफ मार्वल यूजिंग टू मच सीजीआई, हर चीज काफी ज्यादा सिंथेटिक फील देने लगी है, और कई सारे फैंस इस चीज से थोड़े से बोर होने लगे हैं। अब देखो यार, हो सकता है कि स्टूडियो के मैनेजर्स को अपने ऑफिस में बैठ के लगता हो, इनको क्या ही पता है। लेकिन ब्रो, रियलिटी के अंदर पीपल सी थ्रू दी ओवर यूज ऑफ सीजीआई, और जब आप अपने व्यूअर्स को सेम चीजों को ओवर यूज एंड रिपीट करके दिखाते जाते हो तो यार, इससे ना देखने वालों को भी वो चीजें कहीं ना कहीं अमेजिंग कम और थोड़ी सी अनोइंग ज्यादा लगने लगती है। अब एक बार को सीजीआई भी देखा जाए, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज किसी भी सुपर हीरो फैन को अच्छी नहीं लगती वो है उसकी फेवरेट स्टोरीज के साथ छेड़छाड़। इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैं अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो उसके अंदर मुझे कई सारे लोगों के ऐसे ओपिनियन मिले कि भाई सुपर हीरो कॉन्टेंट वाली ये मूवीज कुछ ज्यादा ही फैमिली फ्रेंडली हो गई है, एंड स्पेशली देवर टॉकिंग अबाउट एमसीयू कॉन्टेंट। इसके ऊपर कई सारे लोगों का ये कहना है कि जब से डिज्नी ने मार्वल को खरीदा है ना, तब से ही उसकी स्टोरी सीरियस कम और गूफी ज्यादा होने लगी है। अब देखो, आप शायद ये सोचोगे कि यार डिज्नी ने मार्वल को खरीदे हुए तो 10 साल से भी ज्यादा हो गए, तो अगर उसको स्टोरीज को गूफी और कॉमेडी वाला बनाना होता तो फिर ये फेज 1, 2 और 3 की मूवीज इतनी ज्यादा बढ़िया कैसे? मेरे दिमाग में भी यही सवाल उठा था, और कमाल की बात यह है कि जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने ये गूफी वाला कमेंट पढ़ा था ना, उसी के रिप्लाईज में भी कई सारे लोगों ने यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये गूफी और कॉमेडी मूवी वाली बात है तो फिर ये फेज 1, 2 और 3 की मूवीज को डिफाइन करो।
एंड एज यूजुअल उन सारे रिप्लाईज के नीचे जो जवाब मुझे दिखा उसने मुझे भी सोच में डाल दिया। एक बंदे ने उन सारे रिप्लाईज के आंसर में ये लिखा था कि मार्वल के फेज 1, 2 और 3 को मार्वल स्टूडियोज ने आयरन मैन 1 के टाइम पे ही प्लान कर लिया था, तो उसको बनाने का पूरा जिम्मा मेनली मार्वल का था। बट एंड गेम के बाद जब कंट्रोल डिज्नी के हाथों में आया तो डिज्नी बीइंग अ किड एंड फैमिली फ्रेंडली कंपनी मार्वल के फेज 4 को थोड़ा सा कम सीरियस बना दिया गया। अब देखो यार, मैं आपको यहाँ पर ये याद दिला दूं कि ये सारे ओपिनियन जितने भी आप लोगों ने अभी तक सुने हैं ये सारे ओपिनियंस इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए फैंस के हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं अपनी खुद की सोच बताऊं तो मेरा इसके ऊपर थोड़ा सोचना अलग है। और वो ये है कि फेज 3 के बाद की मूवीज थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल इसलिए हो गई हैं क्योंकि सिंपल सा बस एक ही रीजन है कि मार्वल की मूवीज एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन चुकी हैं। और जब बात वर्ल्ड वाइड की आती है तो पूरी दुनिया के अंदर तो ऐसे भी लोग हैं जिनको सुपर हीरोज के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मूवीज तो उनको भी देखनी है। एंड दैट्स व्हाई टू मेक अ मूवी मोर रीचेबल, उन मूवीज को बिल्कुल हार्डकोर कॉमिक एक्यूरेट ना दिखाते हुए उनके एक सिंपलर एंड मोर रिलेटेबल वर्जन को दिखाया जाता है, लेकिन कई सारे ओजी सुपर हीरो फैंस को बस यही चीज तो बढ़िया नहीं लगती। तो मैंने आपको अभी दो पॉइंट बताए, ओवर यूज ऑफ CGI एंड फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। एक सुपर हीरो फैन के पर्सपेक्टिव से ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन एक नॉन कॉमिक बुक फैन के लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ पॉइंट होता है जब एक सुपर हीरो मूवी या फिर शो के अंदर कुछ ज्यादा ही चीजें कॉमिक एक्यूरेट होने लगती हैं। सोच के देखो एक बार, आज के टाइम पे सुपर हीरो कंटेंट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चीजों में से एक है। इसके ओरिजिनल फैंस के साथ कई सारे ऐसे लोग भी इसको देखते हैं जिनको कॉमिक बुक्स या फिर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि मूवी देखने में बहुत ऑसम लगती है तो नॉन कॉमिक बुक भी इसके पूरे मजे लेते हैं। विदाउट अ डाउट ओरिजिनल कॉमिक फैंस बहुत सारे हैं, बट व्हेन अ मूवी गोज वर्ल्ड वाइड तो नॉन कॉमिक बुक रीडर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं। और ऐसे में जब कोई मूवी किसी ऐसे कैरेक्टर को या फिर किसी ऐसी स्टोरी लाइन को दिखाती है जो कि बिल्कुल नया हो तो ओरिजिनल फैंस के तो पूरे मजे हो जाते हैं, लेकिन एक नॉन कॉमिक बुक फैन के लिए इतना सब कुछ देखना एकदम से काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है, जिसकी वजह से स्टोरी के साथ वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते और देखने के बाद ये कह देते हैं कि भाई मजा नहीं आया, सुपर हीरो मूवीज तो बेकार होती जा रही है। बट रियलिटी में मेरे दोस्त मूवीज बेकार नहीं हुई है, बस अब वो अपनी ओरिजिनल स्टोरीज को एक्सपैंड कर रही है। अब देखो यार, आपको लग रहा होगा कि वीडियो के टाइटल में तो मैंने सुपर हीरो लिखा है, लेकिन बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ मार्वल की। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बस थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, क्योंकि आगे आगे मैं DC, Amazon सबको उठाने वाला हूँ। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज के टाइम पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक तरीके से सुपर हीरो कंटेंट का मेन फेस है, तो इसके ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी थी। एंड दैट्स व्हाई मार्वल के ऊपर बस एक लास्ट पॉइंट ये कहूंगा कि सारे मार्वल व्यूअर्स, भले ही वो एक हार्डकोर फैन हो या फिर बस एक रेगुलर व्यूअर हो, उन सब के लिए सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये हो चुकी है कि मार्वल का फेज 5 बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएगा। कई सारे OG फैंस इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन इसके साथ ही ना मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्वल का कंटेंट बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है। नाउ ऑफ कोर्स एक OG मार्वल फैन के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, बट जैसा कि मैंने कहा कि एक नॉन कॉमिक बुक ऑडियंस के लिए इतना सारा कंटेंट जब एकदम से आ जाए ना, तो हो सकता है उसमें से बहुत सी चीजें कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग और नई लगे। क्योंकि देखो, अगर आप मार्वल की कॉमिक्स और उसकी कहानियों को अच्छे से जानते हो तो आपको पता है कि फेज 5 अब तक के इसके वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है, लेकिन एक रेगुलर सुपर हीरो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के सामने हो सकता है कि इसकी मूवीज या फिर इसका कंटेंट कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग हो जाए, जिसकी वजह से कलेक्टिवली शायद ये उतना बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन ब्रो, इट्स नॉट ऑल अबाउट मार्वल, इज इट? अब तक इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चार पॉइंट बताए, CGI का ओवर यूज, कॉन्टेंट का फैमिली फ्रेंडली हो जाना, नॉन कॉमिक बुक फैंस का डिस्कनेक्ट और एकदम से बहुत सारे कॉन्टेंट के आने की वजह से टू मच टू ग्रेस्प। लेकिन ये चारों के चारों पॉइंट अब तक मार्वल के अराउंड घूम रहे थे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्वल के फैंस ही इस बात को उठाते हैं दैट सुपर हीरो कॉन्टेंट इज डाइंग बिकॉज दे डोंट एंजॉय द करंट कॉन्टेंट एनीमोर। लेकिन दूसरी साइड में वेन वी टॉक अबाउट OTT TV शोज, इतना अमेजिंग रेवोल्यूशन चल रहा है ना कि सुपर हीरो कॉन्टेंट का खत्म होना तो दूर, बल्कि लाखों नए नए फैंस बनते जा रहे हैं। ध्यान से सोचो एक बार, इनविंसिबल, दी बॉयज, पीसमेकर, ये कुछ ऐसे टीवी शोज हैं जो कि OG सुपर हीरो फैंस के साथ नए सुपर हीरो व्यूअर्स के बीच में भी कुछ बहुत ही अलग लेकर आए हैं। ऐसे शोज के अंदर पहली बार एक ग्लोबल स्केल के ऊपर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखे जिनकी पावर्स है तो बिल्कुल सुपर हीरो के जैसी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और उनका कैरेक्टर किसी भी साइकोमैनियाक से कम नहीं है। अब तक लोगों को क्या होता था, एंटी हीरो और एक खतरनाक विलन तक का कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया तरीके से पता था, लेकिन एक खतरनाक हीरो विलन, ये कुछ नया आया। अब देखो यार, आप शायद ये सोचो कि इस टाइप की चीजें तो पहले भी कॉमिक बुक्स के अंदर ऑलरेडी हो चुकी हैं, एंड आई कैन टोटली अग्री विद दैट, लेकिन एक ग्लोबल स्केल पर एक मास ऑडियंस के सामने ऐसा कुछ पहली बार आया, और जब आया तो रिजल्ट आप सभी के सामने है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सुपर हीरो कंटेंट का एंड अगर हो सकता है तो वो बस एक ही तरीके से हो सकता है, और वो तरीका होगा रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। कई सारे लोग अब इस बात से चिढ़ भी सकते हैं, बट यार आप भी जानते हो कि सुपर हीरो मूवीज में इनोवेशन कितना ज्यादा जरूरी है, एंड लेट्स होप हो सकता है कि मार्वल के इस फेज 5 के अंदर ऐसा ही कुछ नया इनोवेशन आए। और बात करें अगर DC की,
खरीद। आई लव वॉचिंग डीसी स्टोरीज, लेकिन हर बार सिर्फ बैटमैन को सेंटर पीस में रखने से तो काम नहीं बनेगा ना। तो सिंपल सा जवाब, भले ही कई सारे सुपर हीरो फैंस के लिए ये करंट कंटेंट शायद बोरिंग हो गया है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट फैंस डोंट लाइक सुपर हीरो स्टफ एनीमोर। बढ़िया शोज और बढ़िया इनोवेशन दिखाओगे तो सुपर हीरोज कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म फेज के अंदर चेंज नहीं लाओगे तो फिर ऑडियंस आपको चेंज कर देगी। अब ये बातें मैंने ठीक बोली या नहीं, सुपर हीरो कंटेंट के एंड के ऊपर ये जो पॉइंट मैंने दिए ये सही थे या नहीं, और इस पूरे सिनेरियो के ऊपर आप क्या सोचते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड इसके साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी एनिमेशन और एनिमे से हटके ऐसे सुपर हीरो कॉमिक बुक्स या फिर मूवीज के टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी तो फिर यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखो अपना, और यार थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए।